खास तौर पे जब मैंने एक क्या शर्बे को आया नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने सिंगिंग को लेकर और पूरी कोशिश की है कि अच्छा गाना गाया जाए और एक अच्छा गाना पेश किया जाए, अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाए। प्रेशर तो था मुझ पर क्योंकि आमिर साहब भी गा चुके हैं, सलमान साहब भी गा चुके हैं, रणवीर सिंह भी अभी उन्होंने कुछ रैप गाना गाया, तो कंपेयर तो करेंगे ही मेरी आवाज़ लोग दूसरे सिंगर से भी कंपेयर करेंगे, दूसरे एक्टर से कंपेयर करेंगे, तो प्रेशर था, एक्साइटमेंट था। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है और लोगों को जिनको सुनाया है वो लोग तारीफ कर रहे हैं मेरी और मुझे बढ़ावा दे रहे हैं, मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आए थे तो काफ़ी एक्साइटेड थे, नर्वस थे तो काफ़ी, लेकिन मैंने गाना पूरा बाय हार्ट कर दिया था पहले ही और एक दो रिहर्सल्स भी किए म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, उनको सुनाया तो फिर बाद में उन्होंने थोड़ा करेक्शंस दिए और फाइनल प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। तो जब ओके किया म्यूजिक डायरेक्टर ने, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई हर्ड द सॉन्ग्स एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा। अब बाकी पब्लिक देखते हैं क्या रिएक्ट करती है। या वेल द न्यू लुक आई हैव ट्राई टू गिव, आई एम कमिंग बैक आफ्टर क्वाइट अ फ्यू इयर्स इन अ बिग वे विद दिस फिल्म एंड आई हैव ट्राई टू वर्क ऑन माई सेल्फ इन ऑल वेज। आई थिंक पीपल आर लाइकिंग माई लुक एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लुक डिफरेंट, डू गुड वर्क, लुक डिफरेंट इन ईच फिल्म, different in each character, so that's what I try and look different in each film. So there was a riyaz, was there a complete planning and training before you jumped into singing? Actually the thing is that to tell you the truth, many years back I had done singing before, at the time of Mela, when I was doing Mela I wanted to open up my voice, so I took classes also from a classical teacher, Sabita Chakravarti. For a number of 3 years I sang, but then there was a big gap and I haven't sung after that. I used to sing bhakti geets with her and all that, but that was years back and that was in 2000 and that was in 1997 around. So I sang for 3 years after that, and but then there was a big gap. So I think I plan to take up singing again, and I wish that every director is like Shariq bhai and he says, yeah, sing a song for me. Okay, thank you, wish you all the best. Yeah, thanks. सो फैक्ट्री मूवी आ रही है, आप दोनों के डेब्यू पे आप बहुत सारे टीवी मतलब शोज में भी काम कर चुके हैं, सैजल जी हैं वो काम कर रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, तो कितने एक्साइटेड हैं डेब्यू मूवी के लिए? पहले मैं आपसे शुरू करती हूं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप देख ही सकते हो मेरी स्माइल नहीं रुक रही है कब से। एंड यस, फैजल सर ने गाना गाया है और बहुत अच्छा गाना गाया है एंड बहुत लक्की फील करते हैं हम कि हम खान फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं और हमारा डेब्यू वहाँ से हो रहा है। फैजल जी ने जो गाना गाया है उसमें आप दोनों रोमांस कर रहे हैं या कोई और? ये तो ये सस्पेंस है, हम कुछ नहीं बोल सकते, इंस्ट्रक्शन से कुछ लीक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अभी नहीं हुई है, एक्चुअली जब हमारी वर्कशॉप्स लग रही थी तो बहुत मज़ा आ रहा था, फैजल सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया, बिग एन आर्टिस्ट उन्होंने बहुत काम किया है और मेरा फर्स्ट डेब्यू है अभी बॉलीवुड में, उन्होंने मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि आई एम न्यू हियर और यू नो, तो बहुत मज़ा आया वर्कशॉप लगा के। जब मैंने वर्कशॉप लगाई तो मुझे पता लगा कि ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन और बहुत अच्छे को आर्टिस्ट भी हैं। दोनों में काफ़ी फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ कि टाइम रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं। जैसे मैं टेलीविज़न के अंदर हमें बहुत सारे सीन करने थे एक दिन के अंदर, लेकिन वो चीज़ एक अच्छी फिल्म जब बनाते हैं तो उसके अंदर लिमिटेड होते हैं, ठीक है हम लोग चार सीन करेंगे अच्छे से करेंगे, तो वो टाइम लिमिट नहीं होता है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज वी आर वर्किंग विद द बेस्ट इन द इंडस्ट्री एंड इट्स आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ सच टीम। और अभी बस जैसे ही शूटिंग के हम लोग एक्साइटेड हैं कब शूटिंग स्टार्ट होगी, तो फिर देखते हैं कैसा चल रहा है। जी जी
कि एक्चुअली मैं बहुत थोड़ा सा नर्वस था उनसे मिलने से पहले कि यू नो ही इज सच अ बिग स्टार और कि कैसा होगा. बट ऑनेस्टली सेइंग आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक हिम इन द इंडस्ट्री हु इज सो डाउन टू अर्थ. जो आपको इतना इतने पोलाइट हैं, वो इतने हम्बल हैं, इतने मॉडेस्ट हैं. बहुत कम लोग हैं इस इंडस्ट्री में. तो द डे वी मेट एंड आई एम हिज बिग फैन. तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू. थैंक यू. चल साइलेंस कर. मैम क्या कहना चाहेंगी, फैजल जी का सिंगिंग डेब्यू है तो क्या दुआ देना चाहेंगे? और आपने गाना सुना है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और इन्हें बहुत ही अच्छा गाया है, जिसकी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल कि ये ऐसे गा सकेंगे. और बहुत खुल के इनकी बहुत दुआएं, इनको अल्लाह बहुत तरक्की दे, बहुत कामयाबी दे. जी दे सर. मैम भी आई हुई हैं, फैजल जी भी गाना गा रहे हैं, तो आपने आपके दिमाग में आया कैसे कि फैजल से गाना गवाना फैजल जी से? फैजल भाई के घर पे मैं अक्सर बेशतर जाता हूँ तो नरेशन के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, तो ये गुनगुनाते थे तो मुझे बड़े सुर में लगते थे, आवाज़ में मीठापन. तो चीज़ें बन दिमाग में बनती गई कि इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी, आपको ट्राई करना चाहिए, मैंने बोला. तो इनके भी दिल में कहीं ना कहीं था कि मुझे गाना तो गाना है, लेकिन काफ़ी टाइम लगा हमें चीज़ों को असम्बल करने में. फिर एक फाइनली ये प्रोजेक्ट हाथ में आया, इसमें एक ऐसा गाना मिला जो मुझे लगा कि फैजल जी गा सकते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस था. तो इनको कन्विंस किया, फिर इन्होंने सुने कहीं बार दफ़ा गाना और हम लोगों ने कोशिश की, म्यूज़िक डायरेक्टर लिरिक्सिस के साथ बैठे, सीटिंग हुई और फैजल भाई को भी एक टाइम पे ऐसा लगा कि हाँ मैं गा लूँगा गाना, बस हम आगे बढ़ गए. तो आपको ऐसा नहीं लगा कि गाना वो भी रोमांटिक, और जब आप क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग के लिए आए तो कितना डिफिकल्ट था कि आपको इनकी इनकी शख्सियत से रोमांस के अलावा टपकता क्या है? कितना डिफिकल्ट था जब रिकॉर्डिंग में आए, तो मतलब कितने बार रीटेक लेना पड़ा कि वन एक बार में ही हो गया? नहीं, ये कंप्लीट रिहर्सल करके आए थे. फैजल भाई का जो भी होता है ये मामले में, मतलब माशाल्लाह काम ये बहुत जवाबदारी से करते हैं, बहुत होमवर्क, ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें लोग तो करते ही नहीं, आपको ये सब मालूम है इंडस्ट्री में. खान फैमिली बहुत मतलब परफेक्शनिस्ट हैं और तैयारी करके आते हैं. काफ़ी इन्होंने मतलब रात दिन मेहनत की है और इस तरीके से आया जैसे एक सिंगर आता है और प्रॉपर वन टेक में गाना गा के गए. मैं बहुत नर्वस था कि अम्मी आ रही हैं मेरा गाना सुनने, और मैं चाहता भी था कि अम्मी आए, मुझे उनकी दुआएं दें. तो अब अम्मी घर पे चल के बताएंगी कि कैसा गाया है, जो सच बात है वो घर पे पता चलेगी. आमिर ने मुझे गुड लक्स भेजी और बोला कि होप दिस फिल्म डज वेल. उन्होंने कहा कि आई होप यू वर्क वेरी हार्ड, सो होप दिस फिल्म डज वेल फॉर यू. थैंक यू सो मच. या थैंक्स. क्या कहना चाहेंगे सर, फैक्ट्री मूवी आ रही है उसमें आपने काम किया, आपकी जो पहली मूवी थी जिससे आपको नेम फेम मिला वो भी आमिर खान के प्रोडक्शन की मूवी थी. अब जब आप ये इतनी सारी मूवीज करने के बाद ऐसा आपको फिर से मौका मिला है कि आप फैजल जी के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? फैक्ट्री एक अच्छा इंटरटेनमेंट फिल्म है और इसमें मेरा फैजल जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है, जिसमें एक तरीका से कहा जाए बेस्ट फ्रेंड जो होता है, जिसके लिए जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है, इस टाइप का करेक्टर है. और ये बहुत अच्छा, मुझे ये खुश नसीबी ये लग रहा है कि आमिर जी के बाद मैं फैजल जी के साथ में काम कर रहा हूँ. बड़े भाई के साथ में तो किया, छोटे भाई के साथ में कर रहा हूँ, तो देखो अब आगे क्या अच्छा ही होगा. जो भी छत्तीसगढ़ की माटी से महाराष्ट्र मुंबई तक का सफर आपसे पूछना चाहेंगे, वो कैसा था, कितनी डिफिकल्टीज आई लैंग्वेज को लेके, और मतलब कि कैसा था आपका? छत्तीसगढ़ में तो मैं वहाँ के जो फोक चीज़ होता है लोकगीत, उसमें काम करता था कॉमेडी में. फिर वहाँ से मैं नया थिएटर हबीब तनवीर जी के साथ आया भोपाल. भोपाल से पिपली लैब में कास्ट हुआ मेरा, तो अब पिपली लैब के बाद में मुंबई. तो
खैर थोड़ा मुश्किल तो गया एक नए वहाँ से उठ के यहाँ आके एक अकेला यहाँ समझने में लोगों के साथ उठना बैठना बातचीत तो अभी भी होता है तकलीफें तो अभी भी कुछ कुछ जगह दिक्कत है। एक तो मैं छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को और हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं नए साल के बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और एक अभी मैंने जो फिल्म कर रहा है फैजल जी के साथ में फैक्ट्री, वो बहुत अच्छा ही स्टोरी है, बहुत अच्छा कहानी है, तो आप ये ज़रूर देखिएगा। और बहुत बहुत जय जोहार छत्तीसगढ़ वालों को। देखिए ये एक थ्रिलर मूवी है जिसमें फैजल भाई जो है का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। एक्चुअली ये कैरेक्टर बेस्ड है पर में। तो मतलब फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सस्पेंस है तो ज़्यादा बेटर है। फैजल जी के लिए क्या कैरेक्टर लिखा है आपने? फैजल भाई के लिए कैरेक्टर बहुत ही टफ है और क्या है फैजल भाई के लिए एक्चुअली ये चैलेंजिंग कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर करने के बाद इंशाल्लाह जो है वो जो है मतलब उनका बहुत बड़ा काम रहता होगा इंडस्ट्री के अंदर। नत्था जी का कैरेक्टर किस तरीके का? नत्था जी का भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। बोला ना आपको कि ये जो फिल्म है ये कैरेक्टर बेस्ड है, इसमें एक एक जो कैरेक्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जो है पावरफुल होगा उनका। बताना क्या चाहते हैं मतलब फैक्ट्री नाम ऐसा आपने लिखी होगी तो आपने नाम सोचा सब कुछ आपको नहीं सकता लेकिन ठीक है फैक्ट्री है। ये है कि फैक्ट्री जब नाम आता है तो थ्रिल वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। वैसे ये एक ऐसे करेक्टर का जो है मतलब कहानी है जो कि मतलब प्यार में डूबा हुआ और प्यार में डूबा हुआ इंसान जब बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करता है तो शायद वो कुछ गलत स्टेप्स भी उठाता है, कुछ इस टाइप की फिल्म है तो वो सस्पेंस है वो जो है मतलब फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच सर एंड बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मूवी। थैंक यू सो मच।